दोस्तों समर की घड़ी आ गई है, तो क्या नाचो मैं? इस वीडियो में हम 10 ऐसे अमेजिंग समर के टी-शर्ट्स देखने वाले हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन, ऐसे ऐसे कलेक्शंस देखने वाले हैं कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छे प्राइस हैं और बहुत सारी वैरायटीज इस वीडियो में निकलने वाली है। तो इस वक्त अगर आप अमेजिंग टी-शर्ट्स खरीदने की सोच रहे हो ना, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ऑलराइट, पहला प्रोडक्ट, पहला टी-शर्ट आ गया हमारे पास में, फटाफट से निकालते हैं। ब्रांड की बात करें तो पन्नी में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ब्रांड अगर नाम की बात करें तो भाई मोस्ट डिफिकल्ट ब्रांड, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। VOGUERR, क्या बोला? गूगल माता से पूछते। क्या बोलता? सुनो, वो जी हम तो यही है जी। वैसे अगर प्रिंट की क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी अच्छी है लेकिन थोड़ा सा ना थिक प्रिंट मुझे लगा, तो मैं इसे डिसेंट कहूंगा। पीछे की बात करें तो पीछे आपको कोई प्रिंट नहीं मिलता। कपड़े की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, कॉटन आपको देखने को मिलता है। समर के वक्त में कॉटन से अच्छा और क्या ही होगा। बात तो सही है। इस टी शर्ट को पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ वो जाकर आप पीछे देख सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये टी शर्ट इंडिया में बना हुआ है और साथ ही बहुत ज्यादा बजट में है। ये एकदम नया ब्रांड है। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कुछ कुछ ऐसे नए ब्रांड्स को भी डालूं ताकि एक्सपीरियंस पता चले कि वो कैसा काम कर रही है, उसके बाद ही ना मैं आपको फिर और ऐसे रेंजेस दिखा पाऊंगा। प्राइसिंग की बात करें तो देखो, ये टी शर्ट आपको अजियो में 650 का मिल जाएगा, लेकिन डिस्काउंट लगाओगे तो 550 यानी 100 रुपए ऑफ भी हो जाएगा। तो 550 के हिसाब से अगर जज करें तो टी शर्ट ठीक है भाई। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट आ गया हमारे पास में, एक वैसा ब्रांड भाई जिसके जूतों की आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे। अपेरेंटली ये टी शर्ट भी बनाते हैं। ब्रांड का नाम है बुडा जींस को। जस्ट लुक एट दिस भाई, बहुत ज्यादा खूबसूरत एक सॉलिड टी शर्ट है, ओवर साइज फिटिंग के साथ आता है। कलर की बात करें तो आपको इसमें डार्क ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, साथ ही जैसे लिनन में कैसे हल्के हल्के टेक्सचर होते हैं वैसे हल्की हल्की आपको यहाँ पर टेक्सचर देखने को मिलेगी। फैब्रिक बहुत ज्यादा यूनिक है, कॉटन से बना हुआ टी शर्ट तो है लेकिन पूरा निटिंग से बना हुआ है। अंदर में आपको बुडा जींस को की ब्रांडिंग मिल जाएगी, द फाइनेस्ट मेड ऐसा करके लिखा हो भाई। टू बी ऑनेस्ट, कपड़े की क्वालिटी अच्छी है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख सकते हो। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है ना कि इसमें कुछ नहीं है, मैं प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ। सॉलिड पहनोगे, लॉन्ग टर्म तक पहन पाओगे, वार्डरोब में लॉन्ग टर्म तक आपके पास रहेगा, क्योंकि प्रिंटेड चीजें लेना देखो अच्छा तो होता है कुछ समय के लिए, लेकिन बहुत जल्दी ना लोग उससे बोर हो जाते हैं। इससे आप जल्दी बोर नहीं होगे। प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है 999, ये आपको 900 में मिल जाएगा, लेकिन ऑफर लगाने के बाद 850 में। थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं ठीक ही कहूंगा इसे। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट उड़ के आया हमारे पास में, क्यों? क्योंकि ये है एक स्टार वॉर्स वाला टी शर्ट जो की आता है रेड वुल्फ की तरफ से। बहुत ज्यादा अच्छा टी शर्ट। यूजुअली देखो रेड वुल्फ में रेगुलर टी शर्ट ही बनाती है, लेकिन हाल में ही उन्होंने ओवर साइज टी शर्ट लाना शुरू किया है। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई एनी ब्रांड, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी तो हम इतनी खरी खोटी बोल पाते भाई प्रोडक्ट्स के बारे में क्योंकि हम खुद से खरीदते हैं। पूरा ब्लैक कलर का टी शर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, राउंड नेक है, शॉर्ट स्लीव है, ओवर साइज फिटिंग के साथ आता है। रेड वुल्फ की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, स्टार वॉर्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी भाई, पूरा प्रॉपर भाई यहाँ पर आपको पिक्चर मिल जाएगा। टी शर्ट के फ्रंट में लेफ्ट चेस्ट के पास में आपको स्टार वॉर्स लिखा हुआ मिल जाएगा जो कि प्रिंटेड है, एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्वालिटी ना मुझे कम लगी। वही अगर इस टी शर्ट के पीछे देखोगे ना भाई, तो बहुत बड़ा यहाँ पर आपको प्रिंट मिल जाएगा जहाँ पे द एम्पायर्स मोस्ट वॉन्टेड ऐसा लिखा हुआ है। प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी, मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा सा इसे ना बेटर किया जा सकता था, लेकिन अगर फैब्रिक की क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी अच्छी है भाई। थोड़ा सा थिक हैवी फैब्रिक इसमें यूज हुआ है, एंड यूजुअली ऐसे फैब्रिक वाले टी-शर्ट्स ना एक्चुअल में ओवर साइज टी-शर्ट के कैटेगरी में ना अच्छे होते हैं, क्योंकि ये झोला झोला जैसा बना हुआ रहता है ना ऑलरेडी टी-शर्ट, ओवर लूज रहता है, तो थोड़ा हैवी होने से ना बॉडी में एक स्ट्रक्चर आता है जो कि मस्त लगता है। एमआरपी की बात करें, यहाँ पर लिखा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 999 इसकी एमआरपी है, लेकिन 800-850 के आसपास में आपको मिलेगा redwolf.com पे। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हम टी-शर्ट देखने वाले भाई, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड, हाउस ऑफ ब्रह्मा का टी-शर्ट। देखो ये ब्रांड ना थोड़ा सा भी स्लो चल रही है, लेकिन एक्चुअल में ना ये ब्रांड बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि अच्छी अच्छी चीजें ला पाए। जो भी आएगी, जैसी भी आएगी, मैं आपको दिखाते रहूंगा। ये इनका एक बेसिक टी-शर्ट है, राउंड नेक आपको देखने मिल जाएगा, शॉर्ट स्लीव मिल जाएगा, ये एक रेगुलर टी-शर्ट है। साथ ही पहली बार ऐसा लग रहा है ना कि हाउस ऑफ ब्रह्मा रेगुलर फिटिंग के साथ आ रही है। एक्चुअल में ना भाई, मैंने पहन के देखा बहुत दिनों तक, इसका मेरे पास एक ब्लैक कलर भी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत फैब्रिक है, हल्का सा मोटा है, कॉटन है, और फ्रंट में भाई आपको ब्रह्मा इंडिया लिखा हुआ मिल जाएगा, और ये एक्चुअल प्रिंट ना पफ प्रिंट है और पूरा फैब्रिक सेम बोस्ड भाई, सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। व्हाइट एंड ब्लैक अमेजिंग कलर है, बेसिक कलर है, आराम से खरीद सकते हो और बहुत लंबे समय तक आपके वार्डरोब में ये भी रहेगा। हाउस ऑफ ब्रह्मा का आपको पैच मिल जाएगा। एक्चुअल में ना इन ब्रांड्स की ना अपनी ही डिजाइनिंग एंड अपनी ही क्वालिटी होती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ना जब भी आप पहनोगे ना तो स्टैंड आउट करती है। लिखा हुआ है भाई ब्रह्मा इंडिया, एक्चुअल
एक्चुअल में ना इसके कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा सा आपको बेसिक लगेगा अगर आपने इससे पहले हाउस ऑफ ब्रह्मा की डिजाइनिंग देखी है तो, और एक्चुअल में इनका ये बेसिक कलेक्शन है भी। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, इन दोनों टी शर्ट को जाकर पीछे देख सकते हो, फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, फेब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है, डिजाइनिंग सिंपल है, आराम से जा सकते हो, ये आपको हाउस ऑफ ब्रह्मा के वेबसाइट में मिल जाएगा। और छोटी सी मुझे प्रॉब्लम क्या लगी ना, इसकी प्राइसिंग, क्योंकि हाउस ऑफ ब्रह्मा इसे 1288 समझ लो कि ऑलमोस्ट 1300 रुपए में बेच रही है, क्वाइट एक्सपेंसिव है भाई, लेकिन अगर आपको डिजाइन पसंद आ रहा है फिर अलग चीज। और नेक्स्ट टी शर्ट आ गया, फटाफट से निकालते, देखो भाई 10 टी शर्ट है तो थोड़ा फटाफट पार करते हैं, हालांकि आपको पूरी क्वालिटी बताते चलूंगा। ब्राउन कलर का पूरा टी शर्ट है, ओवर साइड फिटिंग के साथ आता है, राउंड नेक, शॉर्ट स्लीव, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। एक्चुअल में इस टी शर्ट में क्या अच्छा लगा ना मुझे, इसका नेक लाइन देखो कितना चौड़ा है। एक अच्छे ब्रांड के ओवर साइज टी शर्ट में एक अच्छी बात क्या होती है कि उसके नेक लाइन जो होते हैं ना वो थोड़े से छोटे होते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आप पहनोगे ना तो आपके बॉडी में ना एक हैंगिंग टाइप का, एक बॉक्सी टाइप का ना शेप आता है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। ब्राउन कलर बहुत बेसिक कलर, अर्थी टोन है, अमेजिंग लगेगा जब आप पहनोगे। देखो यूजुअली लोग ब्लू, बैगनी, हरा, पीला, नीला, व्हाइट, ये सारी चीजें पहनते हैं, आपके वार्डरोब में भी होगा। कुछ नया ट्राई करना चाहते हो ना इस समर, मे बी ट्राई करो थोड़ा पेस्टल कलर्स, पाउडर कलर्स या ऐसे अर्थी टोन्स, बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। लेफ्ट चेस्ट पे आपको सिंपल सी छोटी सी टेक्सटोग्राफी प्रिंट मिलेगी, जहां पर ऑल अबाउट द वाइब लिखा हुआ है। एंड अगर टी शर्ट के पीछे की बात करें, कुछ नहीं है, बस यही है और यही बहुत है आपको खूबसूरत दिखाने के लिए। ब्रांड की बात हमने नहीं की, इनके ब्रांड का नाम है ब्राउन मोका और एम साइज हमने लिया है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, हल्की से थिक है, मजा आएगा आपको पहन के। हालांकि अगर इसके एमआरपी की बात करें तो इसके एमआरपी है भाई 1300 रुपए, लेकिन चूंकि इस वक्त अजियो पे सेल चल रही है, ये टी शर्ट आपको 559 यानी 560 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे एक महीने बाद देख रहे हो ना इस वीडियो को, याद रखना ये प्राइस आपको नहीं मिलने वाली। पहन के मैं कैसा लग रहा हूं, ये सारी चीजें आपने पीछे देख ली, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग टी शर्ट की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट आ गया एक और खूबसूरत ओवर साइज टी शर्ट रेड वुल्फ की तरफ से। कहां से निकाला पन्नी, बहुत ज्यादा खूबसूरत, एक और ब्लैक कलर, कुछ नहीं है इसमें, एक और बहुत खूबसूरत बेसिक टी शर्ट है, राउंड नेक, शॉर्ट स्लीव, ओवर साइज फिटिंग, बहुत ही अमेजिंग फैब्रिक, रेड वुल्फ की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ओवरऑल, आप इसे देख सकते हो, मैंने सॉलिड्स के बारे में आपको पहले ही बता दिया है, जितना रखोगे उतना लॉन्ग टर्म तक ना आपके वार्डरोब में रहेगा। ये टॉम एंड जेरी वाला टी शर्ट है, मैं ज्यादा दिन तक नहीं पहन पाऊंगा, लेकिन ये ब्लैक, जब भी कुछ नहीं समझ में आएगा ना इजिली ब्लैक डालूंगा, जींस पहनूंगा और निकल जाऊंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझ रहे हो ना कलर का इफेक्ट। एमआरपी इसकी 999, ये आपको 799 में मिल जाएगा रेड वुल्फ पे। नेक्स्ट टी शर्ट हम देखने वाले हैं भाई, एक और रेड वुल्फ का टी शर्ट। देखो इस बार हाल में रेड वुल्फ ने बहुत सारे अमेजिंग कलेक्शंस लाए हैं ओवर साइज पे, तो थोड़ा मेरा इंटरेस्ट जाग गया, इसलिए मैंने कुछ खरीद लिया। यहाँ पर आपको रेड वुल्फ का टैग मिल जाएगा, मार्बल का टैग मिल जाएगा। देखो रेड वुल्फ अगर आपको नहीं पता ना, और बहुत सारे कार्टून वार्टून के ना ऐसे करके बहुत सारी चीजें मिलते रहती है, स्पॉन्सर नहीं वापस से बोल दे रहा हूँ, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ भाई, मेरा बताना काम है, मैं कुछ बोलूंगा उस पर आप बोलोगे यार पक्का स्पॉन्सर है इसलिए बोल रहा है, ऐसा नहीं है ब्रो, चिल, टेक अ चिल पिल। टॉम एंड जेरी के थ्रू स्पॉन्सर्ड है ये वीडियो, और उन्होंने ये रफ्तार की टोपी पहनाई है, गजब टोपी आ जाती है। कलर की बात करें मेजरली, इसमें आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, मस्टर्ड येलो एंड ब्लैक, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। एंड अमेजिंग तरीके से ना इस कलर्स को यूज किया गया है, तो ब्लैक आपको नेक पे दिखेगा, शोल्डर पे दिखेगा, साइड्स पे दिखेगा, और स्लीव के ना एंड में एज अ बॉर्डर यूज किया गया है। ये सारी चीजें तो देखो ऑसम है ही, लेकिन फ्रंट में आपको इससे भी ऑसम चीज मिलती है, यानी बहुत बड़ा वुल्वरीन का पिक्चर यहाँ पे प्रिंट किया गया है, जो कि अपने वेपन को ऐसे कर निकालो भाई, सुपर्ब लग रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन एंडामेंटियम, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ भाई, लेकिन ओवरऑल प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, टी शर्ट का लुक बहुत ज्यादा अच्छा है, पीछे आपको ऐसे करके एक्स लिखा हुआ मिल जाएगा, सुपर्ब लग रहा है, कपड़े की क्वालिटी अच्छी है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, अंदर में आपको मार्बल और रेड वुल्फ का टैग मिल जाएगा, ऑफिशियली कोलैबोरेटेड टी शर्ट्स हैं, जो कि मिलेंगे आपको सिर्फ रेड वुल्फ पे। नेक्स्ट टी शर्ट आ गया हमारे पास में, और इसके बाद आएगा एक लास्ट टी शर्ट जिसको आपको देखने ही देखना चाहिए। ओ भाई क्या क्वालिटी है भाई, देखो एक चीज है ना भाई, अजियो की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है ना, बड़े नए नए ब्रांड्स उनमें दिखते रहते हैं और अजीब अजीब मस्त मस्त क्वालिटीज भी दिखते रहती है। अगर इस टी शर्ट के लुक की बात करें, पूरा ब्लैक कलर का टी शर्ट है, राउंड नेक, शॉर्ट स्लीव भी आपको देखने को मिलेगा ही, साथ ही अगर इसके नेक की बात करें ना भाई, जैसे स्वेटशर्ट कैसे हल्का सा मोटा सा होता है उसका नेक लाइन, सेम वैसे ही आपको इसमें फीलिंग मिलेगी। कपड़े की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी, क्वाइट हैवी है, और यहाँ पर आपको बैंडाना प्रिंट पूरे टी शर्ट में देखने को मिलता है, ऐसा बैंडाना रुमाल आपने देखा होगा कभी, एग्जैक्टली वैसा प्रिंट किया गया है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, डेफिनेटली देखो सारे टी शर्ट में ना सब कुछ अच्छा ही होता है, ब्रांड क्यों खराब बनाएगी, और जो बनाती है खराब वो मिशो में मिलती है, तुम्हारे क्या बिगड़े हैं। हालांकि मैं आपको जेन्युइन रिव्यूज देता हूँ, जिसके थ्रू आप समझ कर देख कर खरीद सकते हो, सुन सकते हो मेरी बातें। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख सकते हो, डेफिनेटली अगर आप स्ट्रीट कल्चर को फॉलो कर रहे हो ना, ये सारे ओवर साइज टी शर्ट ना आपके डिजायर को फुलफिल करेंगे। प्राइसिंग बहुत ज्यादा अच्छी रखी है हमने, 1000 के अंदर में है, लेकिन अगर आपको
कोई से भी चीपर रेट में कुछ चाहिए ना, 500 के अंदर के ओवरसाइज टी-शर्ट्स चाहिए, उसकी भी वीडियो हम जल्दी ला रहे हैं। हम जॉगर्स की भी वीडियो ला रहे हैं, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, हम परफ्यूम्स की भी वीडियो लाएंगे, हम सारी वीडियोस लाएंगे, बस लिखते रहिए, अच्छा लगता है मेरा। ये टी-शर्ट आपको अजीब में मिल जाएगा, नहीं बताऊंगा, लिंक में जाकर देखो, मस्त है। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट टी-शर्ट आ गया हमारे पास में, एक और रेड वुल्फ का बहुत ज्यादा अमेजिंग टी-शर्ट, ब्लैक कलर का टी-शर्ट, थोड़े से ज्यादा ब्लैक ब्लैक हो गए, लेकिन फिर भी सारे भाई बहुत ज्यादा अच्छे थे। ये टी-शर्ट स्पाइडरमैन के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया, मार्वल का आपको टैग मिल जाएगा, बीच में आपको बहुत बड़ा स्पाइडरमैन का लोगो मिलता है और उनकी जो जालियां हैं वो आपको दोनों इसके स्लीव में मिलती है। पीछे देखोगे तो पीछे आपको कोई और प्रिंट नहीं मिलता है, लेकिन इसके नेक लाइन पे देखोगे ना तो यहाँ पर हेम वाली डिटेलिंग मिलेगी और उस पर आपको रेड कलर मिलता है, जो कि ओवरऑल इसके डिजाइन को, इसके थीम को मैच करते हुए लगाया गया है। मार्बल की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, रेड वुल्फ की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। देखो एक चीज है ना रेड वुल्फ में, जो कि शायद अगर वो सुने तो इंप्रूव कर सकते हैं अपने में, फैब्रिक्स उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, प्रिंटिंग में ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, कुछ टी-शर्ट की प्रिंटिंग एकदम लाइक ऐसे होती है और कुछ टी-शर्ट की एवरेज एवरेज सी होती है, इसको थोड़ा मेंटेन रखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छी है इसकी भी प्रिंट की क्वालिटी, मैं बुरी नहीं कहूंगा, लेकिन इंप्रूव की जा सकती थी। 999 इसकी भी एमआरपी है, लेकिन 850 में आपको मिल जाएगा। लिंक सारे प्रोडक्ट का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पहन के मैं कैसा लग रहा हूं ये सारी चीज आप पीछे देख लो। जब भी ओवरसाइज टी-शर्ट खरीदते हो ना, हमेशा मेक श्योर की साइज चार्ट देखकर ही खरीदे, वरना भाई गड़बड़ हो सकती है, बार बार भेजोगे मंगवाओगे, इससे ब्रांड को भी तकलीफ, इससे आपको भी तकलीफ, इससे पहुंचाने वाले को भी तकलीफ। इतनी सारी तकलीफ के पीछे थोड़ा सा तकलीफ उठाकर ना वो साइज चार्ट क्लिक कर लिया करो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, मेक श्योर वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस अमेजिंग जर्नी में आपको हमें आगे लेकर जाना है, ताकि हम आपके लिए बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियो बना पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।